सजनो, ये ढोला जानी चोर महक दे रानी आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज हापुड़ वाले, जिसके गायक हैं मास्टर कश्मीरी लाल बिजनौरी, रही सुदीन उर्फ मुन्ना, सुमेर सिंह बिजनौरी, मास्टर राजेंद्र सिंह व धर्मपाल सिंह व वीर सिंह कन्हैया लाल जोकर, संगीतकार हैं मास्टर रामकिशन सिंह, हमारे ढोलक वादक हैं शिवचरण सिंह और नकारा वादक हैं उस्ताद ब्रह्मपाल सिंह, हमारे संयोजक हैं रोहतास सिंह आर्य भूचा नांगल वाले। तो सुनिए ढोला जानी चोर महक दे रानी। हाँ सर, बाईपास आ गया उस पर नौत चली ब्यामान में चली राजा बुद्ध की लाल, देर जरा सी ना करी चली लंबे से पगडार। अब जाओ, अरे हो तुम बताए, अरे मरा बुंदू। अरे बड़े उच्चे उच्चे पखान बनाए रही तेरे भैया नारी। अबे ओ मकान के बच्चे, पखान बता रहे, अबे महल नहीं दिख रहे तुझे, अबे क्या है इसमें तमाम मक्खी लग रही पटोलिया में। तो ये तो हमारी पुलकिया है, पुलक बच्चे। अरे तुम कौन हो दी? अबे हम यहाँ के डोड़ीवान है। अरे ऐसा हो रही डोड़ीवान, अरे क्या कमी है इसमें? तो यो करके बात तो करिए, आज की माँ का जन्मा मारो। पटे जानता नहीं, गाली देता है। इधर आ, तुझे मैं बताता हूँ हम कौन है। अरे हम है यहाँ के दूत। अरे भूत, अरे भूत, अरे भगवाना, अरे तू मर जा, कहाँ जा रही हो भाग के? अरे भैया तुझे मैं बताता हूँ, तेरी समझ में नहीं आई यार। अरे समझाइए भैया ने। भाई ऐसा है, जैसे तुम आए हो, तुम्हारी खबर कोई पहुंचानी है दरबार में, तो वो खबर दरबार में पहुंचा दी। अच्छा। और जो दरबार में से हुक्म होगा तुम्हारे लिए, वो आके तुमसे बता दिया। हाँ। तो अंदर की खबर बाहर लाने वाले और बाहर की खबर अंदर पहुंचाने वाले। अच्छा, चुगल खोर हो। अबे यो चुगल खोर बता रहा है भैया। हाँ बोलो। मैं बताती हूँ। किससे मिलना है? छत्री नर सुल्तान से। कहाँ रहती हूँ? ये नरवर रहती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम धनमारू है। वो क्या लगते हैं तुम्हारे? नरसुल्तान मेरे भाई लगते हैं। ठीक है। और मैं उनकी बहन लगती हूँ। अभी तुम्हारी खबर पहुँचा, जाइए आप। लेकिन ये ध्यान रखना है, बदतमीजी ना करें कुछ। श्री महाराज प्रणाम। हाँ खुश रहो भाई, बोलिए कैसे आना हुआ? देखिए डौड़ी पर एक परदेशन खड़ी है। अच्छा। वो आपसे मिलना चाहती है, कहती है कि मैं छत्री नरसुल्तान की बहन हूँ, मुझे इनसे मिलना है। भैया अरे किसी ने बहका दिया आपको, मेरे तो कोई बहन ही नहीं है। जी। ये तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। मैं उनसे नाम पता मालूम करके आया। क्या बताया? वो नरवर के रहने वाली है, अपना नाम धनमारू बताती है। अरे ठहरो। जी वाकई में वो मेरी बहन है। कैसे? भैया मैं 6 साल, मेरे पे बड़ा बुरा वक्त पड़ गया था। अच्छा। तो मैं 6 साल नरवर में रहा हूँ धनमारू के यहाँ। देखिए वो मेरी बड़ी प्यारी बहन है, मेरे पास बुला लाओ। बहुत अच्छा। प्यार से ले आओ। बहुत अच्छा। जाइए। परदेशन। हाँ चलो, तुम्हें दरबार में आदर सहित बुलाया है। अरे चले। हाँ बुंदू। चलिए। अरे अरे चलो चलो आ गया। अरे चलो चलो भैया ने बुलाया, चलो। अरे सुन। हाँ। तुम जाओ और जाते ही भैया को खुश करके आओ। जैसा हुक्म हो। जाओ बेटा। मैं चला जाऊँ। अनुरुज। अबे बताई भाई, दुआ नहीं सलाम नहीं, नू कह रिया अनुरुज। अबे तेने कोई मुझे बिजार समझ लिया? ना जरा, हमारी जमान लपट गई, हमने नाम देखा। मैं नहीं जानता आपको। आज आई। कौन आई है? तुम्हारे जिद्दा की बहू। भागो यहाँ से, बोलने की भी तहजीब नहीं है मेरे यार। चोरे पागल मेरे बाप के चोदे,
अरे तूने क्या कही वहाँ जाके? तो हमने जो रिश्तेदारी की बात थी वो ही बता दे। जीजा की बहू और क्या लगा तू उसकी? अरे बहन लगती हूँ अपने आदमी की। तेरा नाश हो जाए, उधर को पहिया घुमा दिया। अभी अभी तो कश्मीरी लाल की तरफ को पहिया का था, अभी तो त्यागी जी की तरफ को ना पहिया घुमा दिया। तू मर जाए। अरे तू ये बता क्या कही भैया ने? तेरा भैया नुकैरिया। हाँ चोबा नाई। चोबे नाई वो सुसरी है क्या करना है? तेरा नाश हो, अपनी तरफ से कह रहा सुसरी। बताओ मुझे क्या देगा सुसरी? ना ऐसी कह रहा। हाँ। चलो मैं करती हूँ बात। हाँ भैया नर सुल्तान। हाँ भैया नर सुल्तान। हाँ बहन। नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते, खुश रहो। जरा मेरी बात सुनिए। धन मारू। अरे जब तुम्हारी रिश्तेदारी में आवा। इसकी बात सुन भाई। उनकी राजी खुशी खैसल्ला बूझ का मतलब चाओ ना मिले करती है। भैया पहले तेरा नाश्ता करवा दूं। अरे बैठ जा यार, तुझे क्या जरूरत पड़ी चाय की? अभी तुझे मीठा खिलाऊंगा, बैठ जा नीचे। बहन भैया क्यों रही तू वहाँ? क्यों रुक गई थी? ये भी कोई राज वाली बात थी भैया। तुझे मालूम है तेने इसे भेज दिया। इसने क्या कही? क्या कही? दुआ नहीं सलाम नहीं, मुझे नुके आन रुच। हाँ बदतमीज है ना ये तो। अच्छा हुआ इसे मैंने कुछ ना कहा। आज तेरे आने से मैं बड़ा खुश हुआ बहन। अच्छा भैया मेरी बात सुन बहन। हाँ? आज तू आई मुझे वो दिन याद आया। कौन सा दिन? कभी मैं तेरे यहाँ 6 साल रहा हूँ, तेने मेरी बड़ी सेवा की है। सुन मेरी बात भैया। और की चागर के बीच में मेरा कहना लीजे री मान, थोड़ी देर के वास्ते यरी धरी लगा ले ध्यान। हाँ भैया। ए राज्य खुशीरी बहना यरी कहो नारवार की। अच्छा भैया ए राज्य खुशीरी बहना कहो नारवार की, और तेरे कैसे भी चल रहे लाली लाल। अरे राज्य खुशी रे मेरे कहो नारवार में। अच्छा भैया बड़ी खुशी की बात है। अरे राजी खुशी रे मेरे कहो नारवार में, हाय ते जी जार सब रे भैया राजी। ए राजी खुशी मेरे कहो भाणजी की, हरी मुझे सूरजी का सुनाइए सारा हाल। भैया मेरा जो भांजा है सूरज भान, मैं बहुत छोटे से को छोड़ गया था। अरे जवान हो गया तेरा भांजा भैया। जवान हो गया? टनाटन हो रहा लौंडा। अच्छा सुने बड़ी खुशी की बात है, बोलो। अरे प्यारे उठा है बिरात अरे भानजे का। क्या सूरज भान जवान हो गया? हाँ भैया। अरे बहन अरे प्यारे उठा है बिरात अरे भानजे का, ना तेरे नौतानी आ गई भैया भात। ए धन धन जियो मेरी मैया जाई, और तुझे धान घड़ी आता। भैया। ए बहन। भैया नर सुल्तान मेरा भांजा जवान हो गया। हाँ भैया बड़ी खुशी की बात है। हाँ। जिसकी बेटी सुख में है या जिसकी बहन सुख में है उसके लिए जग सुख है। हाँ। बड़ी खुशी है, पर रोती क्यों है? रोने की तो बात है नर सुल्तान। मैं तेरी आंखों में आंसू देखनी नहीं चाहता, मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। भैया तेरी आंखों में आंसू देखने के लिए तैयार नहीं, तेरा बहुत एहसान बंधु है। भैया बोलो। रोती तो मैं उस रोज से हूँ जिस रोज के तमाम नरवर मुझे देखता रह गया था रोती को देख के, और तूने कहा था कि बहन छोड़ जाए मेरे वीर बिलकती, मैंने कहा था। तेने कहा था और तू रोता चलाया था, मैंने भी रोते रोते विदा किया था। आज तक मैं इसी तरह रोती हूँ भैया। बोलिए क्या परेशानी है? इसलिए रोती हूँ बोलो। सुने अरे भरा में मिटाया दीजिए
अभी अभी जो पाठ चल रहा है क्षत्रिय सुल्तान और धनबारू का, इस पाठ पर खुश होकर रामा इलेक्ट्रॉनिक नूरपुर ये 101 रुपया हमारे जो मास्टर कश्मीरी लाल हैं आपके सामने नरसुल्तान का पाठ कर रहे हैं, इन्हीं के पाठ पे खुश होकर 101 रुपया इनाम दे रहे हैं रामा इलेक्ट्रॉनिक नूरपुर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहन भैया तू रो मत मेरे सामने, एक बात सुन ले। हाँ। कैसा भरम है, कैसा भरम है, मुझे क्या कहते हैं लोग। सुने भैया सुल्तान, आज तूने भरम मिटा दिया तो सबके दिल का भरम मिट जाएगा। नहीं, मैं तेरे सारे नरवर के मुंह पे हार धर दूंगा, तेरे हाथ में थाल होगा, मैं आरते पे खड़ा आया होगा, तेरा सारा शहर देखता आया होगा, सारे शहर को दिखला दूंगा कि वास्तव में नर सुल्तान धनमारू का भाई है। हाँ। पर बहन मैं तो तेरे नरवर का भरम मिटाऊं। हाँ। तू मेरे कीचागढ़ का भरम मिटा दे। तुम्हारे कीचागढ़ में क्या भरम है भैया? हाँ? ए जाके मना ले लाली अपनी भाभी को, भाभी कमनिहाल दे लो। हाँ। उसको क्या भरम है रे? ए जाके मना ले लाली अपनी भाभी को, और जो राजा मांगे किला। हाँ साहब सुनिए, ये पाठ जो चल रहा है आपके सामने मास्टर कश्मीरी लाल जी का क्षत्रिय नरसुल्तान का, इस पार्ट पर खुश होकर के जो इनके चेले हैं उस्ताद ब्रह्मपाल सिंह खजूरिया डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, ये 11 रुपए इनाम दे रहे हैं अपने उस्ताद के पार्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ। बहन अरे जीते एक बात सुन ले। हाँ। तेरे यहाँ आने से, तेरा यहाँ आने से मेरे कीचागढ़ का भरम मिट जाएगा। हाँ। और तेरा मेरे यहाँ जाने से तेरे नरवर का भरम मिट जाएगा। हाँ भैया सुन ले, यही चाहती हूँ। ए भेली रख ले वो तो गीती दवाई, अरे वो मंगा ले गवाई है दो चार। जैसा बताए दूंगी मेरे भाभी को, मैया जाए भरा में मिटा दूंगी सुल्तान। ए मती घबराइए है यरीब की चागार में, थोड़ी तुझे कान पड़ी रही परवाए। भैया मैं आज ही दिल का भरम मिटा दूंगी भाभी के। देख इसे मत ले जाइए, उल्टा सुद्धा बोलता है ना। ये जरूर जाएगा भैया, तो मेरा नाई है। नहीं, इसने क्या कही यहाँ के? इसने क्या कही है? यहाँ के दुआ नहीं सलाम नहीं, मुझे नु कह रहा आंड रुच। अच्छा। हाँ। तो मेरा तो इसके बगैर जी भी ना लगता, मैं तो हो जाऊंगा। अरे तू चुप रहो, मैं अपने आप करूंगी बात भैया। इसको जो कुछ देना दीवाना तू यहाँ छोड़ दा। ना भैया इसका नेक होगा, इसका नेक मैं रात में ही कर दूंगा, क्यों घबराई तू? जो खाएगा वही खिला दूंगा। ना मैं तो अपना नेक वही करूंगा दक्का। अच्छा स्टूडियो में करवा ले नेक। ए बहन जरा ये तहजीब से बोले जाओ। अच्छा अब सुने, देखिए नर सुल्तान में और धनमारू में बहन भाई का बड़ा प्यार था। अब ये रानी कमल निहालदे के पास जाती है, जब रानी कमल निहालदे सुन लेती के वही धनमारू आई है जिसके यहाँ मेरे पति 6 साल नरवर में रहे हैं, ये धनमारू का नाम सुन के बड़ी नाराज हो जाती है। अब सुने धनमारू की और कमल निहालदे की बातचीत, सुने बड़े प्यार से सुने। बुंदू हानी चल तेरी मामी के पास चल रही हूँ। जैसा हो कमो। अरे चाय मिलेगी तुझे नाश्ते से वही। अच्छा आजा, जाओ अपनी मामी के पास जाओ और जाती भाभी को खुश करके आओ। तेरी मामी लगती है वो, समझा रही हूँ तुझे यहीं, समझे? जैसा हो कमो। हाँ देखिए हमारे धर्मपाल सिंह ये कितना प्यारा पाठ करेंगे कमल निहाल दे का, सुने। यो मंदिर बनाया तो सही, पर इस पर रंग कैसा करा आज के सबका? क्या तू दिल्ली वाली है? क्या तू कांची पुन्नी है? क्या तू गिरजा घन्नी है? क्या तू देता का कोट है? क्या तू जाता की मार है? अरे मैं भी करूँ रही, तू मर जा। कौन है तू, यहाँ से निकल, मैं तुझे नहीं जानती हूँ। क्यों रे तू मर जाए, तेरा नाश हो रहा है, भाभी को करने आया है तू? तो हम सलाम को ही तो कह रहे थे। आज सलाम का नाम लिया तूने? अरे सलाम का अंतरा जरा मैं सब पिछली तरफ लग गया। हाँ, अंतरों से चलिए, हट मैं करूंगी बात। तू मर जा, सारी रिश्तेदारी बेकार कर दी,
ऐसे भैया को सलाम में आंड्रोच करी है, समझे? मैं करूंगी बात। भाभी? कौन भाभी? किसकी भाभी? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ भाभी। क्योंकि अरे मामी को मामी, मेरे पति की कोई बहन नहीं है, इसलिए मेरी भी कोई नंद नहीं है। तुम कौन हो भाभी? मुझे नहीं जानती। मैं नहीं जानती। मैं बताती हूँ। बताओ। हाँ। मैं नरवर के रहने वाली हूँ, मेरा नाम धनमारू है भाभी। धनमारू? हाँ। वही धनमारू है जिसने मेरे पति को अपना पति बना कर रखा, वो 6 साल नरवर में, क्या वही धनमारू है? अरे बोई अरे बोई बोई, तू मर जाए बदतमीज कहीं का, क्या मेरा खोड़िया डालने आया है? अरे अगर तू धनमारू है तो मेरी बात सुन। हाँ। ये कैसे आ गई मेरे घर की चा में, सुन राजा बुद की लाडली। हे मारू तेरा क्या भी तो पड़ गया हमसे काम, कैसे आ गई मेरे तू घर की चा में, आई तुझे सारा मैं रही कह रही हो आप? वो 6 साल मेरा भैया बन के रहा है। भैया या सैया बन के रहा? नहीं, मेरा भैया बन के रहा है भाभी। मैं नहीं, कुल संसार कहता है इस बात को। जरा सुनिए। सुना। अच्छे जो साले मेरे रहा नारबार में, मीरा ने गुजारे करी दिन रात। जो साले रहे री वो नारे अभी मत क्या, मैं तेरी सौत लगती हूँ। नहीं अच्छा? वो मेरे 6 साल मेरे नरवर में मेरा भैया बन के रहा है, किस तरह तुम्हारे दिल का भरम मिटाऊं भाभी? हाँ क्या क्या सर? सुने भाभी सुने। सुना। ऐसी बात क्यों कर रही है? देख वो मेरा भैया है और तू मेरे बेटे को कोस रही है। इकला बेटा भाभी मेरा दुनिया में, जल्दी आ। अरे जल्दी आ, क्या ना करी? मैं अपने आप बात करूंगी भैया। अरे सुल्तान क्या करूं? अरे भैया नर सुल्तान, भैया नर सुल्तान। ए बहन क्यों रही, क्यों रो रही है, क्या हुआ? अरे हाँ वो पालकी झुटिया की झुटिया, उसकी इतनी लंबी जीभ तेरा खोला था दुनिया भर से, बीच तेरा मजा पनीर तमाम मारा हमा। किसने मारा है? तुम्हारी नानी ना। अबे नानी क्या, मेरी दादी बता, मेरी दादी बता। हाँ तुम्हारे भतीजे को भी तमाम गाली दे रही। बता हमारे भांजे को भी हमारा भतीजा बता रिया। ए बहन सुनी इसकी बात। सुनी तेने ना सुनी, क्या कही इसने? अरे इसका नाश जाए, इसने सारी बातें खराब करवा दी। नू कह रिया। हाँ। अने वो पाल रखी झुटिया की झुटिया, उसकी एक हाथ की जीत तेरा खोया जा दुनिया से बीज। हाँ। बता हमारी औरत को झुटिया बता रिया, क्या वो मारती भी ना? अरे भैया इसने 2-4 बातें बड़ी गलत। ए बहन ये बता क्या कहा तेरी भाभी ने? बस भैया न सुल्तान
मैंने तमाम जमाने के मुंह पे हाथ रखा, लेकिन तूने अकेली भाभी के मुंह पे हाथ